السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ये गफलतों के महल गिराओ, पयामे इंसानियत सुनाओ। ये गफलतों के महल गिराओ, पयामे इंसानियत सुनाओ। जो सो रहे हैं उन्हें जगाओ, पयामे इंसानियत सुनाओ। समाज ऐसा बनाओ जिसमें मिले न किरदार नफरतों के। समाज ऐसा बनाओ जिसमें मिले न किरदार नफरतों के। जो जुल्मतों को बढ़ा रहे हैं, मिटे वो आसार नफरतों के। जो जुल्मतों को बढ़ा रहे हैं, मिटे वो आसार नफरतों के। मोहब्बतों के दिए जलाओ, मोहब्बतों के दिए जलाओ, पयामे इंसानियत सुनाओ। ये गफलतों के महल गिराओ, पयामे इंसानियत सुनाओ। जमीन पे बिखरे मकरोरिया के पैकर, चलो न नक्श कदम पे उनके, बनो खुलूस वफा के पैकर। जमीन पे बिखरे हुए हैं हर सू फरेब मकरोरिया के पैकर, चलो न नक्श कदम पे उनके, बनो खुलूस वफा के पैकर। वकार इंसानियत बढ़ाओ, वकार इंसानियत बढ़ाओ, पयामे इंसानियत सुनाओ। जो सो रहे हैं उन्हें जगाओ, पयामे इंसानियत सुनाओ। यहाँ जो पहले नहीं हुए थे वो हादसे आज हो रहे हैं। ये ना को डुबो रहे हैं, यहाँ जो पहले नहीं हुए थे वो हादसे आज हो रहे हैं। ये ना खुदा कैसे ना खुदा है, जो कश्तियों को डुबो रहे हैं। इन्हें सिता दिखाओ, इन्हें सही रा सिता दिखाओ, पयामे इंसानियत सुनाओ। जो सो रहे हैं उन्हें जगाओ, पयामे इंसानियत सुनाओ। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खून सबका है एक जैसा, लहू भी एक सा वतन भी एक जा।
عبادتوں کا یہ دور کیسا, یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کے خون سب کا ہے ایک جیسا, لہو بھی یک سا وطن بھی یک جا, تو دہشتوں کا یہ دور کیسا. امن میں آؤ امن بڑھاؤ, امن میں آؤ امن بڑھاؤ, پیام انسانیت سناؤ, جو سو رہے ہیں انہیں جگاؤ, پیام انسانیت سناؤ. غرض پرستی ہو جس کا حاصل, وہ زندگی زندگی نہیں ہے, جو دوسروں کے ناکام آئے اجڑنے والوں کے گھر بساؤ, اجڑنے والوں کے گھر بساؤ, پیام انسانیت سناؤ, یہ غفلتوں کے محل گراؤ, پیام انسانیت سناؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم, فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام, واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله, إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا, فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, أولئك لهم نصيب مما كسبوا, والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه, ومن تأخر فلا إثم عليه, لمن اتقى, واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. اس وقت اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اللہ کا احسان ہے, ہمارا
दरसे कुरान का जो ये बाबर का सिलसिला चल रहा है, इसमें सूरतुल बकरा की गुज़िश्ता हफ्ते आयत नंबर 198 आप हजरात के सामने तिलावत की थी, और इस आयत मुबारका के ताल्लुक से जो अहम और जरूरी बातें थी वो गुज़िश्ता हफ्ते आप हजरात के सामने अर्ज की गई थी। आज आपके सामने उस आयत नंबर 198 को भी पढ़ा है, और उसके बाद आयत नंबर 199 और 200, 201, 202 और 203, ये आयत नंबर 203 तक की आपके सामने आज तिलावत की है। इन आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ा जो मजमून है वो करीब करीब है, और एक ही मजमून है, अल्लाह ने उसे अलग अलग अंदाज में समझाने की कोशिश हमें की है कि बंदे समझे। तो वो जो कलामुल्लाह की आयात हैं, चूंकि मजमून एक ही अंदाज का है, इसलिए ये सारी आयतें आपके सामने पढ़ी हैं। इंशाअल्लाह इनके ताल्लुक से बातें अर्ज करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाएं कि अल्लाह हम सबको तमाम बातें सही से समझ करके अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अब ये जो आयात हैं, आयतें तो ये कई सारी हो गई, लेकिन इनमें जो सबसे पहली आयत है वो है आयत नंबर 198। और पिछले हफ्ते भी हमने और आपने दर्स के अंदर इस आयत के ताल्लुक से जो बातें हैं वो अल्लाह के शुक्र से सुनी है। सबसे पहले इस आयत नंबर 198 का मैं तर्जमा दोबारा सुना रहा हूं, ताकि हमें यह अंदाजा लग जाए कि किस जगह तक की बातें हमारी इस आयत में पूरी हो गई हैं और कौन सा वो हिस्सा है जो इस आयत का हमारा अभी बाकी है। अल्लाह ये इरशाद फरमा रहे, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फज़लम मिन रब्बिकुम। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए कोई हरज नहीं है कि तुम तलाश करो अल्लाह की तरफ से अल्लाह का फजल, रिज्क वगैरह थोड़ा बहुत तलाश करो। ये पहला टुकड़ा है। आप हजरात को याद आ रहा होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते इस टुकड़े की मुकम्मल वजाहत आ चुकी है कि रोजी तलब करना और रोजी तलाश करना हज के सफर में इसका हुक्म शरई क्या है वो तफसील से आ चुका। आगे अल्लाह ने फरमाया, फ़इदा अफ़ज़तुम मिन अरफ़ात फ़ज़कुरुल्लाहा इंदल मशारिल हराम। अल्लाह ने कहा जब तुम अरफात से रवाना हो तो मशारुल हराम नामी जगह के करीब अल्लाह का जिक्र करो। इसकी भी मैंने वजाहत कर दी है आपके सामने। अरफात का बुनियादी तारुफ गुज़िश्ता हफ्ते करा दिया था, और अल्लाह ने जो ये बात कही मशारे हराम के पास अल्लाह का जिक्र करो, इसकी भी हमने आपके सामने मुकम्मल वजाहत अर्ज कर दी थी। तो ये टुकड़ा भी अल्लाह के फजल से हमारा हो चुका। अब उसके बाद जो आगे का हिस्सा है वो असल आज हमारे दर्स का आगाज है। आगे अल्लाह ने फरमाया, वज़कुरूहू कमा हदाकुम। अल्लाह फरमाते हैं कि मुसलमानों तुम्हें अल्लाह ने अपना जिक्र करने का हुक्म तो दे दिया और कहा कि अल्लाह को याद करो, लेकिन अल्लाह ने साथ में फिर यह ऑर्डर दिया, वज़कुरूहू कमा हदाकुम, अल्लाह को उस तरह याद करना जिस तरह अल्लाह ने याद करने का हुक्म दिया। ये जो जुमला अल्लाह तबारक व ताला ने यहां पर जिक्र फरमाया कि अल्लाह को उस तरह याद करो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह को याद करने का हुक्म दिया है, ये हम सब के लिए और इस वक्त के हमारे मुआशरे के लिए बड़ी खास बात है। इस आयत के अंदर उलमा ने तहरीर फरमाया है कि सबसे पहली बात इस आयत से इसका क्या कनेक्शन है जहां अल्लाह इसे जिक्र कर रहे,
और दूसरी बात, इससे एक आम अल्लाह हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। पहले तो उस वाकिए से जोड़िए जहां पे ये जिक्र आ रहा है, ताकि वहां समझ में आए हमें कि इसका असल मतलब क्या है। और फिर उसके बाद हमें समझना ये है कि आम बंदों को अल्लाह इस लफ्ज के जरिए क्या हिदायत अता फरमा रहे हैं। असल मामला क्या चल रहा था, आप सब जरा थोड़ा सा गुज़िश्ता हफ्ते वाली बात ज़हन में दोहराएं कि बंदा अराफात के मैदान से एक मैदान में जा रहा है, जिस मैदान का मैंने गुज़िश्ता हफ्ते जिक्र किया कि अराफात के मैदान से जो जाया जाता है वो किस मैदान में जाते हैं, बोलिए, मुज़दलिफा। अब मुज़दलिफा पहुंचा जाता है अराफात से, अराफात का एक मैदान, बंदे वहां से मुज़दलिफा में आते। और फिर मैंने एक बात आपके सामने और उसकी थी कि ये जो मौका है अल्लाह ने इसमें हमें एक खास हुक्म अता फरमाया। क्या? अराफात से आपको जब निकलना है जब मगरिब का वक्त हो जाए, और आपको आगे जाना है मुज़दलिफा, लेकिन आपको मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी, और मगरिब की नमाज को आपने कजा करना है और निकालना है। यानी अगर मस्जिद भी हमारे सामने आए और कहीं हमें मस्जिद भी नजर आए, हमें नमाज नहीं पढ़नी, मगरिब का पूरा वक्त हमें निकालना है। हम अगर मुज़दलिफा भी पहुंच गए और अभी मगरिब का टाइम बाकी है, तब भी हमें मगरिब नहीं पढ़नी जब तक कि नमाज कजा ना हो जाए। जब वक्त खत्म हो जाए और ईशा का शुरू हो जाए, तब उसके बाद में मगरिब को पढ़ा जाएगा। ये अल्लाह ने ऑर्डर दिया, ये उस दिन का खास मामला है। ये जाहिर सी बात है रोज का हुक्म नहीं है, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मशीयत के अल्लाह उस दिन इसी में राजी है, अल्लाह को यही पसंद है। अब ये मसला आया था भी पहले, पहले वाले टुकड़े के अंदर अल्लाह ने कहा जब अराफात से आओ और मुज़दलिफा में मशारे हराम नामी पहाड़ी के करीब पहुंचो, वहां अल्लाह का जिक्र करो। मैंने ये बात आपके सामने और उसकी कि मुज़दलिफा में जाके आपने मगरिब भी पढ़नी है और ईशा भी पढ़नी है। मगरिब तो आपकी पहले से बाकी थी और ईशा का वक्त है, वो आपको अदा करनी है। अब ये बात बताने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन ये जुमला कहा वदकुरूहु कमा हदाकुम। अल्लाह कहना चाह रहे हैं कि देखो अकल क्या कहती है। अकल से अगर आप पूछेंगे, अकल ये कहेगी कि जब मगरिब का वक्त हो गया तो मगरिब पढ़ो, और जब ईशा का वक्त हो जाए तो ईशा पढ़ना। जाहिर सी बात है जिस बंदे को पता ना हो मसला तो वो तो यही समझेगा, क्योंकि नमाजें वक्त पर पढ़नी है और हज के अय्याम में नमाज का कजा करना जाहिर सी बात है बड़ा अहम मामला है। तो एक आम बंदा इस हुक्म में ये सोच सकता है कि भाई नमाज में कैसे कजा करूं, ये जो मगरिब की नमाज कजा कराई जा रही है मैं कैसे छोड़ू मगरिब की नमाज। तो कभी पता लगे किसी पे ज्यादा ही बुजुर्गी सवार हो जाए, ज्यादा ही बड़ा वाला अल्लाह वाला बन जाए वो, और वो ये कहने लगे ना बाबा मैंने नमाज नहीं कजा करनी, मैं तो इंडिया से हज करने इतनी मेहनत से आया और यहां आकर के मैं नमाज कजा करूं और हज के इन मुबारक दिनों में कजा करूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो नमाज मगरिब उसके वक्त पर पढ़ूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ने मुखातब बनाया और उन्हें तंबीह फरमाई कि भाई खुदा के लिए आप अपना ये जो बुजुर्गी का खुमार है इसे आप साइड में रखिए और आज आप इबादत वैसे कीजिए जैसे अल्लाह ने इबादत को कहा है। वदकुरूहु कमा हदाकुम,
उसको अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, अल्लाह को तुम याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, जिस तरह अल्लाह ने कहा है उस तरह अल्लाह को याद करो। तो इस मौके की मुनासबत से तो यह वजह है जिस वजह से इस जुमले को यहां पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया। अब आपको मजमून समझ में आ गया होगा कि यह बात खास इस आयत में कहने की वजह यह बनी जिसकी वजह से अल्लाह ने इस टुकड़े को यहां पर शामिल फरमाया। ये वजह तो हो गई इस एतबार से कि यहां पर यह आयत के अंदर यह लफ्ज क्यों आया, उसकी वजह मैंने बताई, क्योंकि अभी एक हुक्म आया जो अकल में आने वाला नहीं था और बंदे को एकदम से वो समझ में नहीं आएगा। तो अल्लाह ने कहा अपनी समझ और अपनी अकल ये सब एक तरफ रखो और अल्लाह जैसे तुम्हें कह रहे हैं वैसे करो, अल्लाह ने कहा है तो मान लो और उसी तरह अमल करो। वद्कुरूहु कमा हदाकुम, ये अल्लाह ने उस बात को दिमाग से निकालने के लिए ना ये हुक्म यहां पर अता फरमा दी, वरना कभी बंदा ज्यादा ही इबादत के एहतमाम में मगरिब को मगरिब के वक्त में पढ़ के बैठ जाए। अजीब गरीब सूरत हाल होती है, बंदा कश्मकश में भी होता है। हम लोग खुद जिस वक्त में मैदान अरफात में खड़े थे और सूरज सामने डूब रहा है, बिल्कुल डूबता जा रहा है डूबता जा रहा है, हम सामने खड़े और बिल्कुल हमारे सामने अरफात में मस्जिद नमीरा उसका गेट था, बिल्कुल मस्जिद के सामने खड़े और सामने सूरज गुरूब हो रहा है और सब बंदे इंतजार में कि ये डूबे और मुकम्मल हो और हम यहां से रवाना हो। अब तबीयत पे अजीब लगता है कि भाई मगरिब का वक्त हो रहा है, मस्जिद के सामने खड़े, अरफात की बाबरकत मस्जिद है यार, नमाज पढ़ना क्यों मनाए, लौ पढ़ ले नमाज। अल्लाह ने ऐसे लोगों को समझाया कि खबरदार अपनी मर्जी से मत चलना, जैसे अल्लाह कह रहा है वैसे चलना। एक बात तो ये जिस वजह से ये टुकड़ा यहां पर लाया गया वाजे हो गया। अब बाकी एक दूसरा अमली पैगाम पूरी उम्मत को भी दिया गया कि आप चाहे उस वक्त मैदाने अरफात में हो या ना हो या कोई सा भी जमाना चल रहा हो, आप एक उसूल अपने जहन में बिठा लें कि शरीयत वो है जिसे अल्लाह कहे कि ये शरीयत है, हम अपने दिमाग से बनाते रहें कि ये ऐसे होना चाहिए ये ऐसे, तो वो हमारे दिमाग की बातें कहलाएंगी, वो शरीयत की बातें नहीं कहलाएंगी। मसला वो है जो पैगंबर ने बताया, शरीयत वो है जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई, हमें क्या पसंद है हमें क्या अच्छा लगता है इसका ताल्लुक शरीयत से नहीं है कि बंदा अपनी पसंद और अपने मिजाज के मुताबिक शरीयत को ढालता चला जाए, ऐसा नहीं है। इबादत करनी है सारे मुआमलात, अब शरीयत के आप याद रखना कि अगर हम इबादतों को उस तरीके पर करेंगे जैसा करने का अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो इबादत कहलाएगी, लेकिन अगर उसके खिलाफ करेंगे जैसा अल्लाह ने कहा उससे हटके करेंगे, लाख इबादत कर लें उस पे अल्लाह का कुर्ब और मोहब्बत नहीं हासिल हो सकती। ये उसूल अल्लाह ने सारी दुनिया को अता फरमा दिया। रोजा रखना बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ा खैर का काम है, लेकिन अपनी जगह है रोजा। अगर आप रमजान की 29 और 30 तक रोजा रखेंगे, ये रोजा आपके लिए जहन्नम की आग से ढाल का काम करेगा, जहन्नम से बचाएगा। लेकिन अगर ज्यादा ही खुमार हमारे ऊपर रोजे का सवार हुआ और हमने पता लगा ईद उल फित्र वाले दिन भी रोजा रख लिया, यार दिल नहीं कर रहा छोड़ने का, बड़ा मजा आ रहा था रोजे, वो सेहरी वो इफ्तारी वो बरकतें, हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो आज भी रोजा रखेंगे। अभी तक जो आपने रोजे रखे 29 और 30 तक, वो रोजे आपको जहन्नम से रोकने का जरिया बने थे, लेकिन अगर ईद उल फित्र वाले दिन रोजा रख लिया, अब ये रोजा जन्नत से रोकने का जरिया बन जाएगा।
ये इबादत हमारे मुंह पे दे के मारी जाएगी कि अल्लाह को जरूरत नहीं है। हम ये कहें कि जी रोजा ही तो रखा है, अल्लाह कहेंगे खाली रोजा रखने का मकसद नहीं था, असल था अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक करना। अगर वो है कबूल है, नहीं है तो खत्म। बस ये उसूल हमेशा जहन के अंदर बिठा ले। हमारे सारे मुआमलात, हमारी सारी चीजें आज इसी के ऊपर हम दाखिल करके देख लें, सारी शरीयत आसान हो जाएगी। आजकल हमने और आपने नऊज़ु बिल्लाह बहुत सारी इबादतों के अंदर उसके इबादतों के तरीके वो अपनी तरफ से बना लिए कि ये काम है इसको ऐसे किया जाएगा और ये चीज है इसको ऐसे किया जाएगा और उसे जरूरी समझा जाने लगता। अपनी तरफ से तरीके बनाए और उन तरीकों को जरूरी समझा जाने लगा तो मेरे भाई आप चाहे याद रखें उसमें कितनी ही भलाइयां हो लेकिन वो अल्लाह के यहां सवाब का जरिया हरगिज नहीं बन सकते। वो भलाइयां होती रहे वो अपनी जगह, वो इबादत जब बनेगी जब अल्लाह और उसके रसूल ने उसको बताया होगा। बहुत सारी चीजें हमारे यहां, अब मैं थोड़ी सी मिसालें देता हूं, ये मजमून खुलेगा थोड़ा। जैसे मिसाल के तौर पर कितनी सारी खवातीन ये बात पूछती हैं, सवालात आते हैं रात दिन कि तहज्जुद की नमाज का तरीका क्या है। अब मुझे तो ज्यादा वो तरीका भी याद नहीं रहा क्या तरीका बताते हैं, लेकिन कुछ इस अंदाज का सुना है कि जब पहली रकत पढ़ो उसमें कुल हुवल्लाह इतनी बार पढ़ो, दूसरी पढ़ो उसमें इतनी बार, हर मरतबा एक एक तादाद कम करते चले जाओ, हर मरतबा घटाते चले जाओ। अब एग्जैक्टली क्या तरीका मशहूर है मुझे नहीं याद, लेकिन बहरहाल कुछ इस अंदाज का मशहूर है कि तहज्जुद में कुल हुवल्लाह पढ़नी और फिर बाद में उसे घटाते चले जाना। ये कहां से आया? इबादत थी तहज्जुद पढ़ना, नफली इबादत है, जैसे चाहे नियत बांध के पढ़ लें, नफली नमाजें पढ़ी जाती हैं, आपकी वो इबादत अदा हो जाती, लेकिन उस इबादत के अंदर अपनी तरफ से ये शर्तें लगा ली कि कुल हुवल्लाह को इतनी बार पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है। ये वो चीजें हैं जो शरीयत में कबूल नहीं है। अल्लाह उनके लिए फरमा रहे हैं कि अल्लाह को याद करो जैसे अल्लाह ने आपका हुक्म दी, जैसे मशहूर है अवाम में वैसे मत याद करो, अल्लाह का जिक्र उस तरह करो जैसे अल्लाह ने उसका हमें हुक्म दिया है। बंदा ये बात जहन में बिठा ले, खाली सुनी सुनाई बातों के ऊपर हम और आप अमल करने लग जाएं और उसका शरीयत में कोई हुक्म ना हो तो उसके ऊपर हमें सवाब तो मिलना ही नहीं है, गुनाह का खतरा साथ में लगा हुआ। बहुत सारी चीजों में हमने ऐसे ही बना लिया कि लाजमी कर लिया अपनी तरफ से, हालांकि शरीयत कुछ नहीं बताती। भाई अगर वो होता दीन में शरीयत में तो क्या मेरे नबी ना बताते? सहाबा का अमल उसे क्यों नहीं बताता? अगर ना तो कुरान बताता, ना नबी की हदीस बताती, ना सहाबा की जिंदगी बताती, तो फिर कहां से वो चीज हमारे अमल में आ गई? तो इसलिए बंदे को इन सब मामलात में बड़ा चौकन्ना रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम और आप इन चीजों को अपने जहन में रखें, उतना करें और उस तरह से करें जैसे अल्लाह और रसूल ने कहा है, उससे हटके अपनी पसंद से नहीं करना चाहिए। सारी चीजों के अंदर यही मामलात हैं। इसी तरह किसी का भी इंतकाल हो गया, इंतकाल होने के बाद तीसरे दिन सारे लोग घर पर आ रहे हैं, सब एक साथ में बैठ करके कुरान पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में खाने चल रहे हैं, उसके बाद बख्शा जा रहा है और ये सारे सिलसिले हो रहे हैं। कुरान पढ़ना गलत बिल्कुल नहीं है, मैयत को कुरान पढ़ के सवाब पहुंचाना बहुत अच्छा अमल है, लेकिन तीसरे दिन करना, सबको एहतमाम से बुलाना, उसके बाद खाने का नज्म करना, ये सारे वो काम है जिसका शरीयत ने हुक्म नहीं दिया। लिहाजा कुरान पढ़ना तो सही है लेकिन इस अंदाज में शर्तें लगा करके तरीके बना के पढ़ना, ये अमल गलत है।
जितना मर्जी जिसका जो चाहे जब चाहे पढ़ के सवाब पहुंचा दे काफी, उसको एक खास डिजाइन दे देना अपनी तरफ से जिसको शरीयत नहीं कह रही, तो फिर ये हमारे लिए अमल गलत हो जाता। अल्लाह वो ताकीद फरमा रहे वद कुरू कमा हदाकुम, मुसलमानों अल्लाह को याद करना है लेकिन उस तरह जिस तरह अल्लाह ने याद करने को कहा है, अपनी पसंद से नहीं कि हम किसी भी तरह करना शुरू कर दें। इन सब मुआमलात में बड़ा मोहतात रहना चाहिए। तीसरे दिन, दसवें दिन, चालीसवें दिन, उसके बाद साल होने के बाद, ये सारी चीजें हमारे मुआशरे में बन करके इबादत दाखिल और इसे समझते जरूरी है। और एक और खास चीज, इंतकाल हो गया किसी के घर में, अब उसके घर से ना 40 दिन तक लगातार मस्जिद के अंदर टिफिन जाएगा, 40 दिन तक वो टिफिन जा रहा है। अब वो जब टिफिन आ रहा है और वो भेजा जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या किसी हदीस में मेरे नबी ने कहा कि आप ऐसा करो या 40 दिन तक आप ये भेजोगे आपको ये सवाब मिलेगा या मुर्दे को ये नेमत हासिल होगी? कहीं कोई चीज का सबूत नहीं है। गरीब को, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना सवाब है, लेकिन आप उसको किसी भी तरह खिला दें, एक खास तरीका बना करके फिर उसी तरीके के मुताबिक उसको करना और ये सोचना कि शायद यही तरीका शरीयत ने बताया है, ये हमारे लिए बिल्कुल गलत है, ये गलत है। हमारा लगातार लाइन से वहां पे पहुंचाने के सिलसिले चलते रहते। अइम्मा हजरात भी समझ जाते हैं जब एक के बाद दूसरी बार तीसरी बार वो रोज आता है कि हां भाई कोई निकल लिया इसके यहां से जो ये रोज ला रहा है, रोज रोज आ रहा है, बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए, गलत है ये तरीका। और ये रस्म है एक हमारे यहां पर, आप अलग से खिदमत करें अइम्मा हजरात की, उन्हें उम्दा उम्दा खाने वैसे ही खिलाएं, वो वैसे ही उनकी खिदमत करें, वो असल चीज है। लेकिन इस नियत से कि इंतकाल हो गए अब 40 दिन तक ये खिलाना है वरना हमारे अब्बा कहीं पे अटके रहेंगे, ऐसा नऊज़ु बिल्लाह बिल्कुल गलत है, इसकी शरीयत में कोई दलील मौजूद नहीं। लोग इसीलिए कि शायद कुछ गलत हो जाएगा अगर नहीं करा तो हमने, तो इसलिए वो जाता रहता है टिफिन। ये रसूमात हैं जो बिना वजह हमारे मुआशरे में दाखिल हैं। ये जो आयत है कुरान पाक की, मैं बार बार कहा करता हूं, अल्लाह जो हमें ऑर्डर अता फरमाते हैं ना, बंदा गौर करे उसमें कितनी खास हिदायत है। अल्लाह ने क्लियर कहा तुम अल्लाह को याद करो लेकिन उस तरह जिस तरह अल्लाह ने कहा है, आप अपनी तरफ से क्यों तरीका बनाते। इसी तरह एक और बहुत बड़ी मिसाल हमारे यहां पर क्या है मुआमला, सदका करो सवाब मिलेगा, यह हदीस से साबित है। सदका करो ये परेशानियां दूर करेगा, यह हदीस से साबित है। सदका करो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह माल में बरकत देगा, हदीस से साबित है। ये सारी चीजें हदीस से साबित है सदके की। लेकिन अब अगर किसी के यहां पे कोई बंदा बीमार हो गया और अब उसका इलाज हो नहीं पा रहा, जो इलाज करें बीमारी खत्म नहीं हो रही, अब हमारे यहां पे क्या फलसफा आता है कि भाई इसके लिए ना सदके का बकरा कर दो, सदके का बकरा कर दो। देखिए सदका करना इबादत थी और सदका बहुत बड़ा अल्लाह के यहां पे नेक काम है, लेकिन अब जो ये तसव्वुर हमारे यहां पे साथ में जुड़ गया कि आप बकरा कर दीजिए और बकरे को सोचा जाने लगा कि शायद इसकी वजह से बीमारी के अंदर शिफा मिलेगी, अब ये अमल वो है जिसका अल्लाह और रसूल ने हुक्म नहीं दिया, ये अमल हमारा गलत हो जाएगा, ये अमल हमारा गलत कहलाएगा। सदका बेशक करते, बेशक आप खर्च करते, लेकिन अगर नऊज़ु बिल्लाह हमने ऐसा अमल किया और ये तरीका हमने इख्तियार किया तो ये हमारे लिए गलत है। हमें सदका करना चाहिए जिस तरह भी बंदा कर सके, ये सोच लेना कि बकरा ही ज़िबा करने से इसे शिफा मिलेगी, फिर नऊज़ु बिल्लाह ये अमल हमारा सही नहीं।
क्योंकि ये वो तरीका हो गया जिसका हुक्म मौजूद नहीं। इसलिए बंदे को ऐसी बातों से बड़ी एहतियात और ऐसी बातों से बहुत ज्यादा बचना चाहिए। तो कुरान पाक की जो ये आयत है, अल्लाह ने फरमाया वदकुरूहु कमा हदाकुम, अल्लाह को उस तरह याद करो जैसे अल्लाह ने कहा है, तो ये चीज हमें और आपको याद रखनी चाहिए। अपनी तरफ से हम दीन को ना बनाएं, नऊज़ु बिल्लाह, ये हमारे लिए बड़ी गलत बात होगी। दीन को उस तरह से लेकर के चलें जिस तरह से अल्लाह उसके रसूल ने हमें तरीका बताया है। बस जितना बताया बंदा उतने के ऊपर एहतिमाम से अमल करे, और बाकी ये है कि अपनी तरफ से हम कोई बात उसमें लाजमी बना करके ना दाखिल करें। बहुत सारी चीजें हमारे मुआशरे में इसी अंदाज की दाखिल है। खाना हो जाएगा, खाना खाने के बाद में बैठे रहेंगे, और थोड़ी देर तक अगर कोई दूसरा डोंगा ना आए तो कुछ हजरात तो माशाल्लाह बड़ी जुरत कर देते हैं और क्या कहते हैं, भाई कुछ मीठा मीठा नहीं है क्या? अब शर्म आती है मांगते हुए तो क्या कह देते हैं, अरे ये तो सुन्नत है भाई, सुन्नत तो पूरी करो कम से कम। यानी दिल अपना कर रहा है और चाहत अपनी हो रही है, वहां पे जबरदस्ती सुन्नत का नाम बीच में दाखिल कर दिए। अगर आपको खुद दिल कर रहा था तो आप खुद कह देते कि भाई मुझे पसंद है, खाने के बाद आप लेकर के आओ मैं खाऊंगा। लेकिन नऊज़ु बिल्लाह, ये क्या मतलब है कि हम उसको शरीयत बना करके पेश कर दें कि भाई ये सुन्नत है, और आम कर दिया इसी जुमले को। अब हर बंदा जबरदस्ती बनाता है कि भाई खाने के बाद मीठा जरूरी है, क्यों, ये तो सुन्नत है, ये तो जरूर होना चाहिए। तो ये चीजें हमें और आपको याद रखनी है कि इबादत और सुन्नत और शरीयत वो है जो हदीस से साबित है, कुरान ने जिसका हमें हुक्म दिया। हमारी अपनी पसंद से जो चीजें साबित हैं वो शरीयत या सुन्नत में दाखिल नहीं है। इस बात को हमें और आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। बस उतनी चीजें सही हैं जितनी बार अल्लाह के नबी ने बताई, उससे ऊपर नहीं। जबरदस्ती अपनी ख्वाहिशात को सुन्नत के नाम पे वसूल करना, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक आध मरतबा सुनाया है गालिबा, बंदा अपने मसले को कैसा शरीयत का सहारा लेके संभालता है। एक शख्स के बारे में आता है, जरा दीनदार थे, अपनी ससुराल गए। अब जब ससुराल जाता है बंदा तो जाहिर से बातें नए नए दामाद थे तो जरा कटोरियां भी और डोंगन भी ज्यादा, डोंगे ज्यादा आते, वैरायटी जरा ज्यादा बनती हैं पहले साल में, क्योंकि अभी आप फुप्पा नहीं बने होते वहां के, फुप्पा बनने के बाद में फिर वैरायटीज घटती। अब अभी बंदा जब नया नया वहां पे गया है ना ससुराल, तो वो सामान आया, वो बैठा दस्तरखान पे, डोंगा आया, उसको खोला तो माशाल्लाह मुर्गे का कोरमा था। अब इसने देखा कि भाई वो कहां है जो सबकी नजर जिस पर होती, लेग पीस, लेग पीस की तलाश कर रहा है, देखा वो दूसरी तरफ है, वो साले साहब के सामने। अब ये उधर से इधर कैसे आए, अगर उधर से इसको खींच के इधर लाएं तो सारा दस्तरखान देखेगा कि यार ये बंदा कहां से इस पीस को खींच के लेके गया वहां तक। अब जरा सा दीनदार था तो अपनी लाइन से उसने मसले को हल किया। उसने कहा दस्तरखान पे बैठे बैठे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अब सारे लोग पूछने लगे हजरत क्या गलत हो गया है यहां पे, जो आप लाहौल पढ़ रहे, इतना शानदार आपके सामने आइटम रखा है और आप लाहौल पढ़ रहे। उसने कहा भाई तुमने मसला नहीं सुना कि किसी भी शख्स के लिए किबले की तरफ पैर करना मना है, मरे हुए मुर्गे की भी टांगे किबले की तरफ नहीं होनी चाहिए, और ये देखो इसकी टांगे किबले की तरफ हो रही है। फौरन लोगों ने जी हजरत कैसे अल्लाह वाले, फौरन घुमा दिया वो रान अपनी तरफ आ गई। बुजुर्गी भी साबित,
अकीदा दुरोग जम गए कि भाई देखे कितना बड़ा अल्लाह वाला है, कैसी बारीक बातों पे नजर जाती, और मकसद भी हासिल के रान जो उधर थी वो अब अपने सामने आ गई, अब बिस्मिल्लाह पढ़कर उसी को निकाल लिया। वद्कुरूहु कमा हदाकुम, वो मैं बात समझा रहा हूं, शरीयत जो साबित है ना उसे शरीयत रखिए, अपने पसंद को शरीयत मत बनाइए, अपने रस्म रिवाज, अपने तौर तरीके, अपनी आदतें, आज मिजाज हमारा ये बन गया हमने उन्हें शरीयत समझा। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी वाज़े नसीहत फरमा दी है, अल्लाह ने कहा वद्कुरूहु कमा हदाकुम, अल्लाह को याद उस तरह करना जैसा अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया। तो ये है हम सब के लिए बड़ी कीमती नसीहत। तो ये था इस आयत मुबारक का ये खास जुमला। आगे अल्लाह ने फरमाया वइन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालीन, अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह ने तुम्हें ईमान दिया, इस्लाम दिया, अब तुम्हें चाहिए कि तुम उसको फॉलो करो। अगर अल्लाह तुम्हें ये नेमतें ना देता तो यकीनन तुम लोग गुमराहों में से शुमार होते। और यकीनन यही बात है, अल्लाह का इनाम है हमारे ऊपर कि अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसी नेमत से सरफराज फरमाया, ये हमारी अकल का कोई कमाल नहीं है। ये ज़हनों के अंदर रखना चाहिए हमें और आपको कि हम दीनदार हैं, अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अल्लाह ने हमें दीन की समझ दी, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, इन सब चीजों में हमारा रत्ती बराबर कोई हुनर नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का इनाम है, अपना हुनर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया तुम पहले गुमराहियों में थे, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की नेमत अता फरमाई है, तो अब उसे मुकम्मल तरीके पर फॉलो करो, अपनी तरफ से इस्लाम में मत कुछ बढ़ाना और ना ही जो बातें अल्लाह ने कही है उनमें से कुछ घटाना, जितना कहा है जैसे कहा है उसको उसी तरह अपने अमल में ले आना। ये आयत नंबर 198 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बातें इरशाद फरमाई। उसके बाद आगे फरमाते हैं सुम्मा अफीरु मिन हैथु अफाज़न नासु वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह कहते हैं उसके बाद उसी जगह होकर वापस जाओ जहां और लोग जाकर वापस आते हैं, वहीं से जाकर के वापस होना जहां से सारे लोग जाकर के वापस आते हैं, वस्तगफिरुल्लाह और अल्लाह से इस्तगफार करते रहना, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह मुआफ करने वाला भी है और रहम करने वाला भी। ये आयत नंबर 199। उस जगह जाकर के वापस आना जहां से सब लोग जाकर के वापस आते हैं, यह हुक्म अल्लाह ने बतौर खास यहां पर अता फरमाया। अब यह आयत का तर्जमा तो आपने सुन लिया, अब फिर मैं अर्ज करूंगा कि मतलब क्या है इस आयत का, उसको समझने के लिए आपको फिर थोड़ी सी डिटेल समझनी पड़ेगी, उससे इंशाल्लाह यह सारा मतलब फिर समझ में आएगा। खुलासा सुनिए ये आयत क्यों नाजिल हुई। असल मामला यह था कि मक्का के जो काफिर थे, जो बैतुल्लाह के खाने काबा के निगरान माने जाते थे, जिन्होंने काबे को अपनी निगरानी में ले रखा था, मक्का के काफिर, हज तो आपको पता है पहले से करते आ रहे हैं जाहिलियत के दौर से अपने अपने अंदाज में, मक्का के काफिरों ने तरीका यह इख्तियार किया था अजीब वगरीब, जब हज के अय्याम आते और हज के दिन शुरू होते, सारी पब्लिक आती, मैदान मुज़दलिफा को पार करके सारे लोग पहले अरफात जाते, अरफात से फिर सारे लोग वापस मुज़दलिफा आते, मीना में सारे लोग रुकते, ये तरतीब जरा याद रखना है, ये तीन उंगलियां, इस तरतीब के एतबार से जो ये अंगूठे के पास वाली उंगली है ये आप समझिए मीना का मैदान, ये बीच वाली जो बड़ी उंगली है इसे आप समझ लीजिए मुज़दलिफा,
और जो ये तीसरी वाली उंगली उसके छोटी वाली के पास है, इसे आप समझिए अराफात। ये तीनों मैदान लाइन से, सबसे पहले मीना, फिर मुजदलिफा, फिर उसके बाद अराफात। ये तीन मैदान बिल्कुल लाइन से, बिल्कुल सीधी रोड गई है। पहले इस पर मीना पड़ता है, फिर मुजदलिफा पड़ता है, फिर इसी पर अराफात आता है। हज में होता क्या है, आपका काम शुरू होता है मीना से। ये जो सबसे पहला वाला मैदान है, यहां जाके पड़ाव डलेगा, सब यहां पर रुकेंगे खेमे लगा के। उसके बाद आपने सीधा जाना होता है अराफात के मैदान में। मुजदलिफा आपने नहीं रुकना, सीधे आप जाएंगे कहां, अराफात। बीच का ये स्किप हो जाएगा। अराफात से फारिग होने के बाद फिर वापस आएंगे मुजदलिफा, फिर रुकेंगे यहां पर, और फिर मुजदलिफा से वापस होकर के रुकेंगे दोबारा फिर मीना में। फिर मीना में रुकना है दो तीन दिन। समझ में आ गए ना सब हजरात को? ये तीन मैदान लाइन से, सबसे पहले कौन से मैदान में जाते हैं, सब बोलो भाई, मीना के मैदान में। उसके बाद मीना के मैदान से कहां जाते हैं, अराफात के मैदान। बीच में कौन सा मैदान छोड़ा, मुजदलिफा, वहां नहीं रुकते, सीधे अराफात। फिर अराफात से कहां आया जाता है, मुजदलिफा। फिर मुजदलिफा से वापस फिर कहां आ जाते हैं, मीना। फिर मीना में रुकते हैं और बस वहीं से हमारा सारा हज का मामला पूरा हो जाता है। ये तरतीब है इन तीनों मैदानों की। अब सुनिए जो ये आयत बता रही है हमें। अब ये तीन बातें आपको याद रहेंगी तो इंशाल्लाह ये सारा मजमून इन आयतों का समझना आसान हो जाएगा। मक्का के काफिर क्या करते थे, जब सारे लोग मीना से जाते अराफात, तो ये जो मक्का के काफिर थे ये कहते कि भाई तुम सब जाओ अराफात, लेकिन हम जो है ना अराफात नहीं जाएंगे, हम तो मुजदलिफा ही में रुकेंगे, हम अराफात नहीं जाते। ये मक्का के काफिरों ने जाहिलियत के दौर में तरीका अपना रखा था, यानी जहां पर अराफात से वापस आकर के रुकना है वो हजरात मीना से सीधे बस वहीं जाके रुक जाते थे कि हम अराफात जा ही नहीं रहे। और क्या लॉजिक था उनका इसके पीछे, उनका कहना ये था कि हम बैतुल्लाह के पड़ोसी हैं, अल्लाह के घर के रहने वाले हैं, हम तो अल्लाह के बड़े खास लोग हैं। अच्छा, जब आप खास हैं तो क्या हुक्म है आपके लिए, कहते थे कि हम खास लोग हरम से बाहर नहीं जाएंगे। अब ये जो मुजदलिफा है ये है हरम में, मीना और मुजदलिफा ये दोनों मैदान है हरम के अंदर, और अराफात का मैदान ये हरम से बाहर है। अराफात हरम से बाहर है, ये दोनों मैदान है हरम के अंदर। इन हजरात का कहना यह था कि हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत बड़े हैं, अपने दिमाग में अपने आप को बड़ा समझ लिया। जैसे आपने देखा होगा बाज मरतबा वो हजरात जो दो चार पैक चढ़ा लेते हैं रोड पर, बीच में आके खड़े हो जाते हैं, वो अपने आप को वजीर आजम समझ रहे होते हैं, हुक्म दे रहे होते भाई ये करो ये करो ये करो, वो अपने दिमाग में अपने आप को सुपर पावर समझते कि इस वक्त मेरी हुकूमत चल रही है। हालांकि हकीकत में कुछ नहीं होता, दूसरे बंदे हंसते, यही हाल उन कुफार का था, यही हाल उनका था। अपने दिमाग में अजी हम तो हरम वाले हैं, अल्लाह के बड़े खास हैं हम। अच्छा, आप खास हो तो क्या होगा आपके लिए, हम हज सारा हरम के अंदर करेंगे, अगर कोई जगह हज के लिए हरम से बाहर की हम उसका बाइकाट करेंगे, दूसरे लोग जाएं वहां पे हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। वो बेचारे सारे मुजदलिफा ही में बैठ जाते थे, अराफात जाते ही नहीं थे इस ख्याल में। ये जो बुरी रस्म और बुरी बात उन हजरात के दिमाग में चली आ रही थी, और वजह थी उसकी सिर्फ अपने दिमाग में अपना घमंड और तकब्बुर और बड़ाई, अल्लाह ने उसको उतारा, अल्लाह ने साफ फरमा दिया।
ثم افیزوا من حيث افاض الناس, جہاں سارے لوگ جا کر کے واپس آ رہے ہیں تم بھی وہیں جا کر کے واپس آؤ. یہ طریقہ کوئی نہیں ہے کہ ہم تو یہیں بیٹھے رہیں. سارے لوگ کہاں جا کر کے آ رہے ہیں؟ مزدلفہ, عرفات جا کر کے آ رہے ہیں. اللہ نے اس کا آرڈر عطا فرمایا, ثم افیزوا من حیث افاض الناس, اللہ نے فرمایا تم وہاں جا کر کے آؤ جہاں سے لوگ ہو کر کے آ رہے ہیں, یعنی نکلو باہر. اور یہ جو بات اپنے دماغ میں خود ہی سے بنا لی کہ جی ہم تو بڑے خاص ہیں ہم تو نکل نہیں سکتے, اللہ نے فرمایا نکالو اپنے دماغ سے. عرفات جانا اللہ کے خاص بندوں کی علامت ہے, عرفات کا بائیکاٹ کرنا یہ تو محروم لوگوں کی علامت. تڑپتی ہے دنیا وہاں کی حاضری کے لیے, اور یہ جناب والا اجی ہم عرفات نہیں جائیں گے کیونکہ وہ حرم سے باہر ہیں. یہ خیال, اس خیال کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ کلیئر فرما دیا اور منع کیا کہ یہ تکبر والا عمل چھوڑو اور سب لوگوں کے ساتھ ایک رنگ میں رنگ کے اللہ کی عبادت کرو. اس سے ایک اور بڑا سبق ملا. کیا سبق ملا؟ اسلام نے جو برابری کا آرڈر دیا, یہ بہت بڑے سبق اسلام کا ہے. کسی کو کوئی فضیلت نہیں, جو طریقہ امیر کے لیے ہے وہی طریقہ غریب کے لیے, کوئی فرق نہیں ہے. امیر آدمی کو بھی نماز میں جو طریقہ اختیار کرنا ہے غریب کو بھی وہی طریقہ اختیار کرنا ہے. روزہ امیر کو جیسے رکھنا ہے غریب کو بھی رکھنا ہے. حج جیسے امیر کرے گا غریب کرے گا. کوئی یہ سوچ کر کے فرق کرے کہ ہم اللہ کے گھر کے رہنے والے ہمارا حج الگ انداز میں ہوگا اور جو باہر سے آئیں گے ان کا الگ انداز میں ہوگا, اللہ نے کہا میرے یہاں یہ نہیں چلے گا, سب کو ایک رنگ میں رنگنا پڑے گا, سب کو ایک اسٹائل میں حج کرائے جائے. اس کے لیے اللہ نے یہ آیت نمبر 199 نازل فرمائی. اللہ نے کہا تمہیں بھی وہیں جا کر آنا پڑے گا جہاں سے لوگ آ رہے ہیں, تم بھی وہیں جاؤ. اور یہ سب باتیں اپنے دماغ سے نکالو. اسلام نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو اونچ نیچ والا معاملہ نا بالکل جڑے کاٹی ہیں. یہ تو اللہ ہمیں معاف کرے, آج کے ہمارے جہالت بھرے دور کے اندر پھر یہ چیز جاہلوں والی آ گئی ہمارے, پھر یہ چیز. میں تو حیران ہوتا ہوں, ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو ترقی یافتہ اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے آگے نکل گئے, ہم نے بڑی ترقی کر لی, ہم بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا آپ کیسے ہیں اور ہم ایسے کیسے ایجوکیٹڈ ہیں کہ ہم تو ان رسموں میں الجھ گئے جس میں عرب کے جاہل الجھے ہوئے تھے. اس میں ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو الجھا رکھا ہے. بائیکوں پہ ہماری برادریوں کے نام چھپے ہوتے ہیں, کاروں کے پیچھے کے شیشے پہ ہماری برادری لکھی ہوتی ہے. ہماری ہر جگہ پہ سب سے پہلے, نام ہو یا نہ ہو, برادری سب سے پہلے لگی ہوتی ہے. یہ جو ہمارے دماغوں میں خمار اپنی ذات اپنی برادری کا آیا, نعوذ باللہ, یہ تو کفار مکہ کے دور کی حالت ہے. یہ اسلام نے تو اس کی سب کی جڑیں ختم کی. آج نعوذ باللہ ہر چیز میں یہ داخل ہو گئے, اور تو اور مسجدوں میں امام برادریوں کی بنیاد پہ رکھے جانے لگے. آج حالات ہماری قوم کے ایسے ہو گئے, امام رکھے جاتے, ان سے پوچھتے متولی صاحب کہ جناب والا سب کچھ تو سن لیا, قرآن بھی ہو گیا, مسئلے بھی پتہ کر لیے, سب کچھ ہو گیا, اب ذرا یہ بتائیے آپ کی برادری کیا ہے. اخیر میں پوچھتے چپکے سے, زیادہ شور نہ مچے. اگر ہے اپنا برادر پھر تو وہ امام چاہے ایک نماز پڑھائے چار میں غیر حاضر نبھائیں گے اپنے ہی ہیں. اور اگر ہے وہ غیر برادر اولاً تو رکھنے نہیں, رکھ لیے تو نکالنے کے بہانے پہلے دن سے ڈھونڈیں گے. یہ چیز ہمیں اور آپ کو ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے. ہر جگہ پہ ہمارے یہاں نعوذ باللہ یہی حالات ہو رہے. اسلام نے پسند نہیں کیا ان باتوں. پیغمبر اسلام نے جو اپنا آخری حج فرمایا,
मुसलमानों, उसमें जो खुतबा दिया हुजूर ने, और क्या जुमले थे आपके खुतबे के, एक लफ्ज में सिर्फ आपको सुना रहा हूं इस मौजू की मुनासिबत से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों कान खोल के सुनो, ला फज़ला लिअरबीयिन अला अजमीयिन। मेरे नबी ने फरमाया, किसी अरबी नस्ल वाले को गैर अरबी के ऊपर कोई फजीलत नहीं है। अरब के कबीले, अरब के खानदान होने से कोई फख्र करने लगे कि मैं तो अरबी खानदान का हूं और तू तो अरब के अलावा खानदान से है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये कोई फजीलत की चीज नहीं है, मैंने सबको खत्म कर दिया, ये कोई फजीलत का मेयार अल्लाह के यहां नहीं है। आगे फरमाया, वलाली अबयज़ अला अस्वद, फरमाया काले गोरे पे कोई फजीलत का मामला नहीं है कि ये काला है ये गोरा है, इसका दर्जा ज्यादा है इसका दर्जा कम है, फरमाया सब खत्म। अगर फजीलत का मेयार कोई है तो नबी ने साफ फरमा दिया था, इल्ला बितकवा, हां तकवा के एतबार से फजीलत होगी, तकवा के एतबार से फजीलत होगी। कोई बंदा नहीं है अरब का, कोई कितने भी किसी भी जात बिरादरी का है, अगर मुसलमान है और साहिब तकवा है वो बंदा काबिल इज्जत है, फजीलत वाला है, बाकी सब बातें खत्म। इसलिए मुसलमानों, ये जो नासूर हमारे मुआशरे में है, ये जो जख्म हमारे मुआशरे में है ना, इस चीज को जरा हमें खत्म करने की फिक्र करनी चाहिए, इसे इतना ना हावी होने दें कि हम कमजोर होकर के दुश्मन के सामने पेश हो जाए कि ये तो ये आपस में, पहले तो फिरकों के मामले, फिर ये जात बिरादरियों के मामले। हैरत होती है आजकल, मैंने कितनी मरतबा इन चीजों पर बात की है, मस्जिदों तक के नाम अब बिरादरियों पे हो गए, मस्जिदों को भी बिरादरियों पे बांटा जा रहा है, यहूज बिरादरी की है, यहूज बिरादरी की है। अरे मस्जिदों के नाम सहाबा के नाम पे अच्छे लगते, अबू बकर उमर के नाम पे अच्छे लगते, हजराते सहाबा नबी के नामों पे अच्छे लगते, ये बिरादरियों के ऊपर नाम रख के हम इस्लाम को कमजोर कर रहे हैं, ये मजबूती वाला अमल नहीं है, ये कमजोर करने वाला अमल। बिना वजह दिल के अंदर एक दूरी आ जाती है जब हम इन चीजों का फालतू में शो ऑफ करते हैं। मैं तो लोगों को कहता हूं, जब आप अपने नाम लिखें, नाम के साथ दूसरा लफ्ज लगाना जरूरी है आजकल, यानी दो नाम होने आजकल कानूनी एतबार से भी जरूरी है कि सिर्फ सिंगल नाम आजकल नहीं चलता, कि दो, एक शुरू का नाम और एक लास्ट नेम, दो होने चाहिए। तो उसमें लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपना नाम और आगे अपनी बिरादरी का नाम जुड़वा देते हैं। आप वो ना जुड़वाओ, या तो अपने नाम में मोहम्मद लगा लो शुरू में, या नाम के आखिर में अहमद लगा लो, कुछ इस तरह की चीज जुड़वा लें, वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इन चीजों में। भाई मेरे समझ रहे हैं ना, अल्लाह के नबी अली सलाम ने ये सब चीजों को खत्म किया। वो जो हजरात थे जो अपने आप को बड़ा समझ करके मुज़दलिफा में बैठ जाते थे, अल्लाह ने फरमाया कोई फजीलत नहीं है, सबका हुक्म एक है, और अल्लाह के यहां जो बड़ाई है वो तकवी के एतबार से हासिल होगी। जो भी साहिब तकवा होगा अल्लाह उसे ऊंचा मकाम अता फरमाएंगे, वो चाहे किसी भी कबीले बिरादरी को, मुसलमान होना चाहिए। तो ये चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहां पे बयान की, और इस आयत पाक ने और इस जुमले ने हमें और आपको अच्छी तरह से इन चीजों का मसला समझा दी। तो ये है आयत नंबर 199। तो अल्लाह ने फरमाया उसके बाद वहीं से वापस आओ जहां से लोग वापस आ रहे हैं, तौबा करो, इस्तगफार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ करने वाला है। उसके बाद आगे फरमाया आयत नंबर 200 और 201, ये दोनों आयतें और उसके बाद 202, ये सब आयतें दूसरे से कनेक्ट है। आयत सुने, अल्लाह ने फरमाया फईदा कज़ैतुम मनासिककुम, फईदा कज़ैतुम मनासिककुम। समझिएगा जरा, ये तीन आयतें लगातार एक साथ एक ही मजमून की। अल्लाह ने कहा जब तुम अपने हज के सारे काम पूरे कर लो, ये आयत नंबर 200 शुरू हो गई है, अल्लाह ने कहा जब सारे काम पूरे कर लो, फज़कुरुल्लाह, तो
अल्लाह का जिक्र करते रहना। कदिकरीकुम आबाकुम, ऐसे जैसे तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र करते हो। अभी मैं इसका सब मतलब बताऊंगा कि होता क्या था वहां पे, जिसलिए अल्लाह ये जुमला कह रहे हैं। अल्लाह ने कहा जब सारे काम कर लो ना तो अल्लाह का जिक्र करना, कैसे? जैसे अपने बाप दादा को याद करते थे। अब अशद्द ज़िक्रा, या उससे भी ज्यादा अल्लाह को और ज्यादा याद करो। आगे अल्लाह ने कहा फमीनन नास, कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं क्या, रब्बना आतीना फिद दुनिया, ए अल्लाह हमें अता फरमा दे दुनिया के अंदर। लेकिन जो लोग ये जुमला अपनी जबान से कहते हैं, अल्लाह ने कहा वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, अल्लाह के यहां इन्हें रत्ती बराबर भी कुछ नसीब नहीं होगा, जो ये जुमला जबान से कह रहे हैं। ये थोड़ा अजीब और गरीब सा मजमून है। अल्लाह ने कहा जो ये जबान से कह रहे हैं रब्बना आतीना फिद दुनिया, अल्लाह ने कहा इन्हें कुछ नसीब नहीं होगा अल्लाह के यहां। और आगे अल्लाह कहते हैं आयत नंबर 201 में وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ, और कुछ लोग वो हैं जो ये कहते हैं रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। कुछ लोग ये हैं जो ये पूरा जुमला कहते, कुछ वो हैं जो सिर्फ इतना कहते हैं रब्बना आतीना फिद दुनिया, अल्लाह ने कहा इन्हें कुछ नसीब नहीं होगा। आगे अल्लाह ने कहा आयत नंबर 201 में कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। उनके बारे में अल्लाह आगे फरमाते हैं आयत नंबर 202 में उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, अल्लाह ने कहा कि ये हैं वो लोग जिन्हें इनकी मांगी हुई चीजें अल्लाह अता फरमाए, इन्हें नसीब होगा, इन्हें भी हिस्सा मिलेगा उन इबादतों में जो इबादतें इन्होंने की हैं। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब करने वाला है, फिक्र मत करो, हिसाब का दिन बड़ा करीब है। ये हैं तीन आयतें लगातार जो अभी मैंने ये एक साथ आपके सामने पढ़ दी है, सबका मजमून एक से एक जुड़ा हुआ है। अब मैं इसका पूरा खुलासा आपके सामने अर्ज करूंगा, उसी में इंशाअल्लाह ये तीनों आयतों के मजमून की वजाहत हो जाएगी। अब जरा सुने इसका खुलासा क्या है। देखिए यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने, आपने जो पीछे की आयतें सुनी अंदाजा लग गया होगा कि जो बुरी रस्में उन्होंने सब चला रखी थी अल्लाह सब खत्म कर रहे, जो भी गलत बातें थी अल्लाह सब की जड़ें काट रहे। अब यहां पर अल्लाह ने कुछ चीजों की इसलाह फरमाई है। क्या? नंबर एक, सबसे पहला काम क्या होता था, फिर आ जाइए इन तीन उंगलियों पर। पहला मैदान सब बोल लो ना मेरे भाई, मीना, बोलते रहिए, वरना आप जो है ना माशाल्लाह मजमा ज्यादा यहां होता है, सब अंदर बैठे होते हैं, खिड़कियां दरवाजे बंद होते हैं, खूब बढ़िया निवास बन रही होती है, तो नींद का ना बड़ा सूटेबल मौसम होता है, बहुत मजे की नींद आती है ऐसे हालात में। तो अगर बोलेंगे ना तो फिर जरा सा मामला आसान रहेगा। तीन मैदान में फिर आइए, नंबर एक मीना, नंबर दो मुजदलिफा, नंबर तीन अरफा। मीना से कहां जाना है? अरफात। अरफात से कहां आना है? मुजदलिफा। मुजदलिफा से कहां आना है? मीना। फिर बस मीना में आदमी को बोरी बिस्तर डाल के रहना, दो तीन दिन का यहीं का काम है सारा, शैतान की छिताई होनी है इन दिनों में, वो सब मीना में ही होती है कार्रवाई। मीना में रहो, खाओ पियो और उसे पीटते रहो रोज जाकर के, ये होता है मीना। अब जरा सोने के क्या होता था, अहले अरब ने अपना एक दस्तूर बना रखा था, जब सारी चीजों से फारिग हो गए अराफात मुजदलिफा, अब निमट कर मीना में आ गए। मीना में आपको पता है ज्यादा कुछ नहीं है, वहां पर आदमी को खाली रहना है, हालांकि इबादतें करें, अल्लाह का जिक्र करें, वो सब करें,
लेकिन वहां आकर के ना बंदे क्या होते, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते कि भाई हो गया जो हमारा पूरा हो गया, बड़े मुतमईन होते, अल्लाह सबको पहुंचाए और हम सबको बार बार देखने का मौका दे। आप मेरे ये अल्फाज याद रखना और नोट करना, वहां पे ज़िलहिज्जा की 11 तारीख को और 12 तारीख को मीना के खेमों में चक्कर लगाना, अगर आपको 10-15 बंदे भी जिक्रुल्लाह करते हुए नजर आ जाए ना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अगर दिख जाए तो। वरना क्या होता है, बस सब फारिग होकर के आ गए मीना में, अब क़याम है, शैतान को पत्थर मारने, बाकी टाइम आराम करना है, तो अब मीटिंगें लगाते। वो बताता अरफात में हम ऐसे पहुंचे थे, उसकी चप्पल टूट गई थी, उसका सर फूट गया था, वो अपनी रोदा सुनाता, वो अपनी बताता, उस बूढ़े को ये हो गया था, उस बुढ़िया के साथ ये किस्सा हो गया था, वो सब किस्से चलते। ये हाल आज भी है वहां, नऊज़ु बिल्लाह, गलत है ये हम सबका अमल। अहले अरब के जो जाहिल अरब थे उनका क्या था, फिर वही बात आएगी कि हम घूम फिर के ना आगे नहीं बढ़ रहे, हम पीछे जा रहे। उनका क्या दस्तूर था, वो फारिग होकर के आते मीना में बैठते और सब बैठने के बाद कहते हैं भाई मजलिसे लगाओ बहुत बड़ी बड़ी, सब बैठ जाते गोल घेरे लगा करके, और क्या होता था फिर वहां पर मुशायरा, मुशायरा करते थे मीना के मैदान में, तमाम चीजों से फारिग होने के बाद फिर मुशायरे की मजलिसे लगती थी। अहले अरब जो कुफारे मक्का थे वो ये हरकतें वहां पे करते थे, अब मुशायरे की मजलिसें हो रही, और उन मुशायरों के अंदर क्या करते थे, अपने बाप दादा के किस्से सुनाते थे, मेरा बाप ऐसा था, वो अपने बाप की खूबियां सुनाएगा अशार में। अल्लाह ने इन्हें हुनर भी बड़ा टैलेंट दिया था, अरबी के तो बिल्कुल भूले हुए थे ये, और ऐसी अल्लाह ने इन्हें कुदरत दी थी कि बस उधर सोचते थे और उधर अरबी के अशार शुरू हो जाते थे हाथों हाथ, अल्लाह ने ऐसी महारत दी थी। वो अपने अशार में अपने अब्बा का तारुफ कराता, दूसरा सुनता इसने तो ज्यादा ही जानदार सा करा दिया, अब वो दूसरे को सुनाना होता वो सोचता अगर मैंने कुछ हल्का बताया ना तो मेरे बाप की भी इज्जती हो जाएगी, चाहे उसका बाप निकम्मा बटा निकम्मा हो, लेकिन उसके वो ऐसे हुनर बताता, झूठ सारे हुनर और अशार के अंदर के सब तालियां बजाते कि भाई कमाल कर दिया तेरा बाप तो बड़ा हुनर वाला था, वो अपना बताता। फिर तीसरा होता वो उससे भी आगे निकलता, ऐसे फेंकू आजकल भी बहुत मिलते हैं आपको मुआशरे में, किसी किसी के साथ आप बैठ जाए ना आपके कान पक जाएंगे, वो इतना अपने अब्बा के अपने दादा के अपने नाना के अपने पर नाना के किस्से सुनाएंगे, आप कहेंगे अल्लाह सारे मर्द मुजाहिद इसी के घर में पैदा होने थे, सारे टैलेंट वाले इसी के घर में आ गए थे, सारे हुनरमंद चाहे दीन के हो या दुनियाओं के हो सब इसी के घर में, इमाम गजाली जैसे औलिया अल्लाह भी इसी के घर में। तो ये हाल होता है, आदमी इतने ज्यादा किस्से सुनाने वाले होते हैं, आजकल भी होते हैं मुआशरे में, आप सबको मिलते होंगे कहीं ना कहीं, जो थकते नहीं अपने बड़ों के किस्से जबरदस्ती के सुनाने से। अच्छा चलो कहीं पर नसीहत के लिए बता रहा है आदमी, वजह समझ में आती है, यह सच बता रहे समझ में आता है, झूठे बताने वाले आपको बहुत मिलेंगे कि फूला ऐसे थे फूला ऐसे थे, उनसे आप इतनी दरख्वास्त किया करें कि भाई अब्बा को तो तुम रखो साइड में, आप अपना भी तो कोई कारनामा बताएं, आप कैसे हैं, आप अपना टैलेंट बताएं, आपके पास क्या टैलेंट है, आपके पास बस ये टैलेंट है कि आप झूठ बड़ी अच्छी तरह से सुना देते हैं, हर जगह पे ऐसे लोग हैं। अब वो सारे लोग ना वहां पे कुफारे मक्का बैठ जाते थे और अशार में अपने बाप दादा की दुनिया भर की तारीफें और सारी चीजें चल रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मुखातब बनाया, अल्लाह ने कहा ओ भाई हज से फारिग होने के बाद मीना के मैदान में ये सब बातें मत करो कि तुम मुशायरे की मजलिसें लगा के बैठ गए।
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, अपने रब को याद करो। तुम्हारा काम इस मैदान के अंदर यह होना चाहिए, यह दुनियावी मुजाकरे यहां मुनासिब नहीं। और अल्लाह रहम करे, अल्लाह ने यह बात कुफारे मक्का को कही थी, लेकिन आज जब बंदा जाकर के हालात देखता है, आज मुसलमानों को भी यही नसीहत करनी पड़ती। मीना के खेमों के अंदर इतनी किस्से कहानियां, इतनी तफरी बाजियां, इतनी हंसी मजाक की मजलिसें, दो चार पांच नौजवान इकट्ठे हो करके बैठ करके और बातें करते, कहीं किसी के नींद में खलल हो रहा है, कोई बेचारा सो नहीं पा रहा, लेकिन किसी को एहसास नहीं होता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सिर्फ उसको पत्थर मारना नहीं है, आप बैठ करके अल्लाह की इबादत भी तो करो, नमाजें पढ़ो, वहां पे सलात तस्बीह पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, तस्बीहात पढ़ो। ये मीना के दिन मुसलमानों जिसे मिले हैं उसे नसीब हुए हैं, वरना सारी जिंदगी याद करके तड़पते रहेंगे, यहां आना फिर दोबारा जल्दी नसीब नहीं होगा। खुदा के लिए उन दिनों में अपने आप को गफलत में न डालें, अपने वक्त को जाय ना करें। ये सआदत है, ये दो तीन दिन का वक्त है, उसके बाद दसियों साल खाली तड़पते रहना इन दिनों को याद करके, यहां पे रोज रोजाना नसीब नहीं हुआ करता। बातें सारी जिंदगी होंगी, महफिलें और मजलिसें सारी जिंदगी लगेंगी, लेकिन वो प्यारे लम्हात अल्लाह बार बार नहीं देता, इसलिए वहां पर हमें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर जिक्र फरमाया, अल्लाह ने कहा फइदा कवैतुम मनासिककुम, अल्लाह फरमा रहे जब तुम्हारे सारे काम पूरे हो गए, अब मीना के खेमों में तुम रुके हुए हो, फदकुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते रहना, अल्लाह को याद करना, जिस तरह भी अल्लाह का जिक्र करने का दिल करे याद करना, कदिकरीकुम आबाअकुम, अल्लाह ने कहा जैसे तुम बैठ करके अपने बाप दादाओं को याद करते थे, इसलिए अल्लाह ने यह हवाला दिया। अब समझ में आ गया होगा आपको ये जुमला अल्लाह ने क्यों कहा कि ऐसे करना जैसे अपने, यानी महफिलें लगा के, मजलिसें, लोगों को जबरदस्ती बुला बुला करके बिठा के और फिर तुम मजलिसें लगाते थे, अल्लाह ने कहा वैसे ही अल्लाह का जिक्र करो, लोगों को बुलाओ बिठाओ, तरगीब दो और मेहनत करो, कोई अगर नहीं आ रहा उसे समझाओ और सब अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ। औ अशद ज़िक्रा, या इससे भी ज्यादा जितना तुम अपने बाप दादा का तस्किरा करते थे उससे भी ज्यादा अब अल्लाह को यहां पर याद करो, एक बार। दूसरा मतलब और बड़ा मजे का है, मुफस्सिरीन ने वो भी किताबों के अंदर लिखा है कि अल्लाह ने जो ये बात कही कि अल्लाह को ऐसे याद करो जैसे अपने बाप दादाओं को याद करते थे, एक मतलब तो आपने समझ लिया, यानी जैसे बैठ करके अपने बाप दादाओं के जिक्र करते थे, बातें सुनाते थे और सबको जोड़ते थे, अब ऐसे ही अल्लाह का जिक्र करो, एक मतलब तो ये। दूसरा मतलब किताबों के अंदर ये लिखा है कि अल्लाह को ऐसे याद करो जैसे बचपन में अपने मां और बाप को तुम याद करते थे, अल्लाह ये कहना चाह रहे हैं। एक दूसरा मतलब इसका ये भी लिखा है, उन खास जगहों पर अपने रब को ऐसे याद करो जैसे बचपन में अपने मां बाप को तुम याद करते थे। क्या हाल था बचपन के अंदर, अगर दो मिनट मां नजर न आई, फौरन अम्मा अम्मा करते हुए ढूंढते हुए, अम्मी अम्मी को ढूंढते हुए पहुंच जाते थे, अब्बू को ढूंढते हुए पहुंच जाते थे, हजारों का मजमा हो तुम्हें अपना बाप नजर आ जाए तो बच्चे खुश होकर के फौरन बाप के कदमों में जाके खड़े हो जाते थे। अल्लाह कह रहा है कि जैसे बचपन में तुमने मां और बाप का पीछा लिया है और जिदे कर करके अपनी चीजें उनसे पूरी कराई हैं, अब आज तुम अल्लाह के सामने उसी तरह से जिदे करके अपनी दुआएं अल्लाह के सामने पेश करो। बात समझ में आ गई ना,
तो ये जो बात कही गई है कि अल्लाह को ऐसे याद करना जैसे अपने बापों को अपनी माओ को याद करते थे, तो दूसरा मतलब ये है कि जैसे हम बचपन में अपनी माँ अपनी बाप के पीछे जिदे करते थे, अल्लाह वो कहना चाह रहे कि आज इन मैदानों में और इन प्यारी जगहों पे तड़पो अल्लाह के सामने, रो और गिड़गिड़ाओ और मिन्नते करो अल्लाह की, और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर आज मांगो, लग लिपट के मांगो, अल्लाह चाह रहा है कि मेरे बंदे मुझसे इस तरह से दुआएं करें। एक मतलब उलमा ने यह लिखा है, बहरहाल ये भी बड़ी खूबी वाला मतलब है। हमें खुलासा दोनों का यह निकला कि फजूल बातों में वहां पे वक्त को जाया नहीं करना, हमें अपना वक्त अल्लाह की इबादत में लगाना, अल्लाह से दुआओं के अंदर लगाना है, ये चीज का एहतमाम वहां पर होना चाहिए। एक बार दूसरी चीज जिसकी वजह से अल्लाह ने जो बात इस आयत में बयान की, एक तो ये हो गई इसे याद रखना, दूसरी खराबी उनके अंदर ये थी, ये तो मजली से लगा के अपने बाप दादाओं का जिक्र करना एक मसला हो गया, दूसरा क्या था उनमें कि या तो दुआ करते नहीं थे, अगर दुआ करते थे तो सिर्फ दुनिया की दुआ करते थे, आखिरत का कुछ भी अल्लाह से नहीं मांगते थे, जो भी दुआ होती थी वो सारी दुनिया की, आखिरत की कोई जरूरत अल्लाह के सामने नहीं रखते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए फरमाया क्या कि कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं, मैं यकूलू रब्बना आतीना फिद दुनिया, बस इतना कहते ए अल्लाह हमें दुनिया में सब कुछ अता फरमा दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, कार दे दे, ये दे दे, वो दे दे, सब कुछ दुनिया का मांगते और आखिरत का कुछ नहीं, जिक्र भी नहीं करते आखिरत को। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को नसीहत की, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से दुनिया मांगना ये मना नहीं है, मांगो अल्लाह से क्योंकि वही रब है हमें देने वाला, लेकिन इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि अल्लाह से दुनिया भी मांगे और आखिरत भी मांगे, दोनों चीजों का सवाल करें, तब हमारी दुआ पूरी होती है। खाली दुनिया बंदा मांगता रहे और आखिरत का जिक्र ना हो, ऐसी दुआ अल्लाह को पसंद नहीं आती, ऐसी दुआ अल्लाह पसंद नहीं करता। तो जो लोग ये खाली इतनी दुआ मांगते थे कि रब्बना आतीना फिद दुनिया, अल्लाह ने कहा इनको आखिरत में कुछ नसीब नहीं होगा, ये महरूम लोग हैं जो ये दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह ने फिर तरीका बताया, अल्लाह ने कहा मेरे कुछ खास बंदे हैं, मेरे प्यारे बंदे हैं जो ये दुआ मांगते हैं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, उन्हें दुनिया भी अच्छी चाहिए आखिरत भी अच्छी चाहिए। अल्लाह ने कहा यह दुआ मुझे पसंद आती। अब यह गलती तो उनकी थी, अल्लाह ने उन्हें समझाया कि खाली दुनिया मत मांगना, तुम दुनिया भी मांगो, दीन भी मांगो, आखिरत भी मांगो अल्लाह से, लेकिन साथ साथ में अल्लाह ने हमें भी बता दिया कि हमें अपनी दुआ ऐसी ही रखनी चाहिए, और इस अंदाज के अंदर हमें और आपको भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अब आजकल जो हमारा मिजाज है, बंदा आता है बस मुसाफा, उसके बाद दुआ करना अल्लाह कारोबार में बरकत दे दे, कोई आएगा दुआ करना अल्लाह ताला घर बनवा दे, दुआ करना अल्लाह ताला ये काम करा दे, इन सब चीजों के लिए दुआ की दरखास्त भी करते और वजीफे भी पूछते, लेकिन दुआ की दरखास्त में ये जुमला कितने लोग कहते हैं कि दुआ करना अल्लाह आखिरत की सारी मंजिलें हमारी आसान कर दे, ये जुमला नहीं सुनने को जल्दी मिलता। यहां मुसाफिर के अंदर एक साहब एक जुमला कहते हैं, वो मेरे दिमाग के अंदर बैठा रहता है, वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि मुफ्ती साहब दुआ करना अल्लाह ताला हमारे दीन में इजाफा फरमा दे, मुझे पसंद आता है ये जुमला, दीन के अंदर अल्लाह इजाफा फरमा दे, ये चीज समझ में आती है।
मतलब बंदे को दुनिया भी चाहिए और दीन की भी फिक्र है। अब उसके बाद चाहे हमें और आपको चाहे कोई भी चीज है, मना नहीं है कहना कारोबार नहीं है उसकी दुआ करें कराएं, कोई भी परेशानी है वो करें, लेकिन खुदा के लिए आखिरत को भी साथ में जोड़ के रखा करें। अगर बंदे को दुआ के लिए कहना भी है मुख्तसर तौर पे, तो बस इतना कहें कि दुआ कर दीजिए अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाए। ये छोटा सा जुमला हो जाएगा और सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये इसी का तर्जमा है जो ये आयत अल्लाह ने यहां पे जिक्र फरमाई है। वजीफे भी पूछे जाते हैं कि रिज्क के लिए वजीफा, निकाह के लिए वजीफा, नेक बीवी के लिए वजीफा, और इसके लिए वजीफा और उसके लिए वजीफा, हर चीज के लिए वजीफा, लेकिन आखिरत में बख्शिश का वजीफा, हिसाब किताब आसान होने का वजीफा, अजाब कब्र से हिफाजत का वजीफा, मैदान महशर की गर्मी से हिफाजत का वजीफा, ये सवालात नहीं होते। अल्लाह को यह बात पसंद नहीं है, क्योंकि जो सिर्फ दुनिया के लिए सारे काम मेहनत वजीफे दुआएं कर रहा है आखिरत की फिक्र नहीं, तो इसका मतलब तो यह हुआ इस बंदे को सारी फिक्र बस दुनिया सॉलिड बनानी है, आखिरत का देखा जाएगा क्या होगा। इसे बस फिक्र है तो दुनिया की, दुनिया की फिक्र होना गलत नहीं है। अपने रब से मांगिए, गाड़ियां भी मांगिए, कारें भी मांगिए, घर भी मांगिए, सब कुछ मांगिए अल्लाह से, लेकिन साथ में आखिरत के महलात भी मांगिए, जन्नतुल फिरदौस भी मांगिए, हिसाब किताब की आसानी का भी अल्लाह से सवाल कीजिए, मगफिरत की भी अल्लाह से दुआ कीजिए। ये सारी चीजें हमारी दुआ में शामिल होनी चाहिए। ये अदब अल्लाह ने सारे लोगों को बताया कि ये तरीका है कि हमें और आपको इन बातों का एहतमाम, दुनिया ही हमारे ऊपर बस हावी है, आखिरत की फिक्र नहीं। आज बड़ी मुझे हैरत हुई और बड़ा अफसोस भी हुआ और तबीयत बड़ी परेशान सी हो गई। एक साहब ने कॉल की, मैंने फोन उठाया, उसके बाद उन्होंने कहा मुफ्ती साहब एक जरूरी मसला पूछना है। पहले तो मैं कहने वाला था, मैं दर्स की तैयारी में था, मैंने कहा भाई बाद में करना, लेकिन बहरहाल मुझे लगा कि जरूरी है, मैंने कहा लो जल्दी से पूछो बता रहा। उन्होंने कहा कि हम जनाजे के अंदर जा रहे हैं, जनाजे में हैं, और पूछना यह है कि क्या नापाकी की हालत में जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाया जा सकता है, कि एक अजीज का इंतकाल हो गया तो उसमें जाना पड़ गया, तो अब उसके लिए हम जा रहे हैं तो नापाक हैं, तो क्या कब्रिस्तान जा सकते। उस बंदे ने पूछा यह मसला, लेकिन मेरी रूह अंदर तक कांप गई, मेरे दिमाग के अंदर मैंने कहा यह अल्लाह का बंदा नापाक अगर इस वक्त में है, तो अगर यह बंदा रात में नापाक हुआ है तो असर तक यह नापाक ही घूम रहा है, नाउजुबिल्ला। अगर हमारे ऐसे हालात हैं और ऐसे लोग हमारे दरमियान में मौजूद हैं, और अगर हम अपनी जिंदगी इस नहज पे गुजार रहे हैं, तो जरा फिक्र करें कि हमारा हाल कितना ज्यादा बदतर हो चुका, हम कहां चले गए कि सुबह से लेकर के असर तक नापाक बंदे को पाक होने का भी मौका नहीं मिला। मैंने उसको पहले तो मसला बताया, फिर मैंने कहा थोड़ा सा इसे टाइट करना चाहिए, डाटा थोड़ा सा। मैंने कहा यह कब्रिस्तान जाना जरूरी नहीं है, जाके गुसल कर, ये क्या मतलब है कब्रिस्तान जा रहे हैं। फिर वही बात आ गई ना कि हमने रस्मों को दीन समझ लिया, क्या जी जाना जरूरी है वरना शिकायतें हो जाएंगी। ये कौन होते हैं दुनिया वाले शिकायत करने वाले, और रब जो पकड़ करेगा उसका क्या होगा, उसकी कोई हमें नऊज़ुबिल्लाह टेंशन नहीं है। अल्लाह यही तो कह रहे हैं कि जिसको फिक्र सारी दुनिया की होगी आखिरत का उसे कुछ नसीब नहीं होगा अल्लाह के यहां पर। इससे बड़ी गफलत की मिसाल क्या होगी, नापाक बंदा जा रहा है जनाजों के साथ में। मैंने कहा सब पे तेरी नहुसत पड़ेगी कि नापाक बंदा यहां पे, मैंने कहा जाके गुसल कर कहीं पर और फिर उसके बाद में शरीक हो। अजीब करीब
लेकिन बंदा क्या है कि बस ये कह दे मुफ्ती साहब के जायज है, बस जायज है तो कोई हरज की बात नहीं है। फिर पूछने लगा कि बस अच्छा इतना बता दीजिए कि कब्रिस्तान आने वाला है, जनाजे में से फोन कर रहे हैं कि कब्रिस्तान आने वाला है, अगर अंदर नापाक ही चले गए उसकी वजह से मुर्दे को तो कोई तकलीफ और अजाब नहीं होगा। मैंने कहा कि वो तो अपने आमाल का हिसाब देगा, लेकिन तू ये सोच कि कब्रिस्तान में भी बंदा अगर नापाक जा रहा है, उसको नबी ने कहा कि ये जगह इबरत की है, तुम्हें मौत याद आएगी। हम इतने निडर हो गए कि कब्रिस्तान तक में नापाक जाके आराम से खड़े, तो हम जरा सोचे कि नाउज़ुबिल्लाह ईमान का मेयार क्या हो गया हमारा, क्या ईमान का मेयार हो गया। ऐसा अजीब मुआशरा और ऐसी तरतीब हमारी, बातें जनाब दुनिया भर की होंगी हमारे यहां, और जब आमाल का मामला आता है तो ये हालात है हमारी कौम के। पाकी नापाकी, मैंने उससे कहा, मैंने कहा वो तो चला गया बेचारा, मैंने कहा तू ये बता अगर अभी मौत आ गई और मर गया तो क्या हाल होगा अल्लाह के, नापाक घूम रहे और उसमें इंतकाल हो गया तो जरा सोचे अंदाजा लगाएं कि क्या होगा। उलमा ने बहरहाल मसला लिखा है कि नापाक आदमी कब्रिस्तान जाता है तो हराम या नाजायज तो नहीं है, लेकिन मैयत को कंधा देना नापाक आदमी का मकरूह है। इसके ऊपर तो खुद बेबरकती उतर रही है, ये क्या, इससे क्या फायदा होगा दूसरे को। लेकिन तकलीफ की बात यहां खाली मसले की बात नहीं है, ये एहसास की बात है कि हम और आप कितने ज्यादा गिर चुके, ये हमें जरा सोचना चाहिए। बहैसियत मजमूरी हमारी कौम की क्या हालत है, वैसी थोड़ी ना अल्लाह ये हालात हमारे सामने ला रहा है जो चारों तरफ से हम जूते खा रहे हैं, हर तरफ से कौम की बेइज्जती हो रही है, हर तरफ से हम पस्ता होते जा रहे हैं और हालत खस्ता है, वैसे ही थोड़ी ना है, हमारे हालात ऐसे हो चुके, ऐसे ऐसे मसले हैं और ऐसी ऐसी बातों के अंदर मुब्तला है कि सोच नहीं सकते। मुझे तो फिर भी लगा कि चल भाई कम से कम इसे फिक्र तो है, न जाने कितने तो हो सकता है ऐसे हो जिन्हें इस बात की फिक्र भी ना हो, वो बगैर पूछे ही टहल रहे होंगे, ऐसे भी होंगे कौम। तो इसलिए मेरे भाई हमें और आपको जरा फिक्र करनी चाहिए, और खाली अपने ऊपर हम और आप दुनिया सवार न करें, आखिरत को भी अपने ज़हन के अंदर रखा करें, आखिरत का भी सोचें कि वहां जाना है। अल्लाह ने नकीर फरमाई, अल्लाह ने पसंद नहीं किया कि खाली तुम्हें दुनिया मांग रहे हो, आखिरत का क्यों नहीं जिक्र है तुम्हारी दुआओं में। और फिर अल्लाह ने कहा कि तुम दुनिया भी मांगो आखिरत भी मांगो, यह अदा अल्लाह को पसंद आती, खाली दुनियादार बन के मत रहे। अब ये जो दुआ है ये बड़ी खास है मुसलमानों, और ये दुआ हम सबको याद होनी चाहिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, पढ़ लीजिए मेरे साथ, वफिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन्नार। ये दुआ अपनी हर दुआओं में शामिल कर लीजिए, थोड़ा सा भी टाइम है आपके पास, आप ये दुआ मांग लें, अल्लाह ने चाहा कुछ नहीं छूटा इस दुआ में, आपको सब कुछ हासिल होगा, तमाम चीजें। दुनिया की हसना मांगी गई कि दुनिया बेहतरीन अल्लाह ता फरमा दे, इसके अंदर बदन की सेहत, हमारे घर वालों की अहलो अयाल की सेहत, रिज़्क़े हलाल के अंदर हमारे बरकत, आमाले सालेहा की तौफीक का होना, अच्छे अखलाक का हमारे अंदर पैदा होना, हमारे अकीदों का सही होना, ये सारी चीजें जो दुनिया की अच्छाई में दाखिल है, ये सब चीजें आ गई हैं इसके अंदर, ये सब दाखिल है। और आखिरत की हसना मांगी गई कि आखिरत के अंदर भी भलाई अल्लाह दे दे, इसके अंदर जन्नत आ गई, जन्नत की नेमतें आ गई, अल्लाह की खुशनूदी आ गई और अल्लाह का दीदार आ गया, ये सारी आखिरत की नेमतें भी शामिल। तो कुछ नहीं बचा इस दुआ के अंदर, ये दुआ मांगनी चाहिए। और मेरे नबी के बारे में आता है कि हुजूर इस दुआ को कसरत से मांगते थे, ये दुआ मेरे नबी की खास दुआओं में है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। हुजूर कसरत से दुआ मांगते थे, और तवाफ जिस वक्त में बैतुल्लाह का किया जाता है उस वक्त में
खास कर इस दुआ का पढ़ना हदीस से साबित है। तवाब के दौरान भी यह दुआ पढ़नी चाहिए, हदीस के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया कि अल्लाह से दीन भी मांगो दुनिया भी मांगो और यह अदा अल्लाह को पसंद आती। तो अब आखिर में अब खुलासा सुन लें और तर्जमा देख लें आयत का। अल्लाह फरमा रहे फ़इदा क़ज़ैतुम मनासिककुम, जब तुम अपने सारी इबादतें कर चुको यानी मीना में अब रुक जाओ, फ़ज़कुरुल्लाह अल्लाह का जिक्र करना, कज़िक्रिकुम आबाअकुम जैसे तुम पहले अपने बाप दादाओं का जिक्र करते थे, और या दूसरा मतलब ऐसे जिक्र करना जैसे बचपन में तुम अपने बाप दादाओं को और अपनी अम्माओं को याद करते थे, अल्लाह को ऐसे लग लिपट के याद करो। अब अशद्द जिक्रा या उससे भी ज्यादा अल्लाह को याद करो। फमिनन नासी, लोगों में से कुछ वो हैं जो ये कहते हैं ए अल्लाह हमें दुनिया अता फरमा, लेकिन अल्लाह ने कहा जिनकी इतनी दुआ है इन्हें आखिरत में कुछ नसीब नहीं होगा। लेकिन आगे कहा वमिनहुम मन यकूल, और कुछ वो हैं जो ये पूरी दुआ पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ने आयत नंबर 202 में साफ ऐलान कर दिया उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, ये जो कर रहे हैं और जो मांग रहे हैं अल्लाह इनको इनकी मांगी हुई चीजों में हिस्सा अता फरमाएगा और इनकी ये दुआएं अल्लाह कबूल करेगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह बहुत जल्द और बहुत बेहतरीन अंदाज में हिसाब लेने वाला है। ये अल्लाह का शुक्र है आज हमारी तकरीबन 4 से 5 आयात ये यहां पर मुकम्मल हो गई 202 तक। आगे बस 203 नंबर आयत है, फिर वो आखिरी आयत है जहां पर इनमें हज के मसले जिक्र किए गए। 204 अगले ही हफ्ते आएगी इंशाअल्लाह, वहां से फिर एक नए मजमून का आगाज होगा। अल्लाह से मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको तमाम बातों पर सही से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पूछ रहे हैं नमाज में तकबीर तहरीमा जबान से कहना फर्ज है क्या? जी हाँ, जबान से तकबीर तहरीमा का कहना फर्ज है। अल्लाहु अकबर जबान से कहेंगे तब नमाज सही होगी। कह रहे हैं जो लोग जन्नत में जाएंगे लेकिन बदनजरी की वजह से अल्लाह का दीदार नहीं करेंगे, भाई मेरे सामने कोई ऐसी हदीस नहीं है कि बदनजरी की वजह से अल्लाह के दीदार से महरूम रहेंगे। बदनजरी की जो सजा होगी पहले तो वो जहन्नम में भुगत लेंगे, उसके तो हिसाब साफ होने के बाद में ना फिर जन्नत में जाएंगे। तो ये कहना कि फिर भी वो जन्नत में महरूम रहेंगे, जब हिसाब फाइनल हो गए तो अब क्यों महरूम रखा जाएगा, इस तरह की हदीस हमारे सामने नहीं है। कह रहे हैं किसी के औलाद नहीं है, बीवी भाई भतीजे उनकी विरासत किस तरह बटेगी? विरासत और तलाक के मसले मिल के पूछा करें, ये खाली यहां इस तरह से पूछने के नहीं है क्योंकि इसमें डिटेल बहुत होती है, वजाहत ज्यादा होती है, वो अलग से बताई जाएगी। कह रहे हैं जब लड़की का रिश्ता नहीं आ रहा है तो दुआ बता दें या जामिउ 121 बार हर नमाज के बाद पढ़ें इंशाल्लाह आसान होगा। कह रहे हैं या बाईसु या नूरु पढ़ता हूं दिल पर हाथ रखकर 11 बार, इसका क्या फायदा है? इससे दिल में कुव्वत और पुख्तगी और इंशाल्लाह नूर की कैफियत पैदा होगी, इसका एहतमाम करें, अच्छी चीज है। कह रहे माँ बाप के जीते हुए लड़की या लड़के का इंतकाल हो गया तो क्या माँ बाप की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा होगा या नहीं? देखें अगर किसी का इंतकाल माँ बाप के मौजूद रहते हुए हो जाए औलाद का तो फिर माँ बाप की जायदाद में उसका हिस्सा नहीं होता, शरई तौर पर फिर उसका हिस्सा नहीं होता। हिस्सा जब होगा जब इंतकाल माँ बाप का पहले हो और औलाद का बाद में हो, तब माँ बाप की जायदाद में औलाद को हिस्सा मिलेगा। ये कह रहे हैं दरसे हयातु साहबा यानी हुजूर और साहबा की जिंदगी के हालात और वाकियात, ये मकाम जगह मस्जिद पीर जी इस्माइल। कह रहे हैं हर जुमे के बाद नमाज आसर के बाद, जुमे के दिन नमाज आसर के बाद दर्स होता है, अच्छा शिरकत करें जो हजरात कर सके। कह रहे हैं हमारा लड़का नाफरमान है, इसे अल्लाह फरमा बरदार बना दे, कोई दुआ बता दें। देखें नाफरमान औलाद है, कोई अगर उसके लिए दुआ तो दुआ का एहतमाम करें।
सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 है जो मैं बार बार बताता हूँ, औलाद के लिए, शोहर बीवी के लिए, उसको पढ़ करके अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब में फर्मा बरदारी पैदा फरमाएंगे। दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال يا الله بڑے رحمان و رحیم ہیں اے اللہ بڑے کریم ہیں آپ نے ہمیں لاکھوں کروڑوں نعمتیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں اے اللہ ہم آپ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے یا اللہ آپ نے ہمیں سب سے بڑی ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے میرے مولا ہماری درخواست ہے کہ ہم سب کو موت تک اس نعمت پہ قائم رکھنا اللہ آخری جب وقت آئے تو ایمان اور اسلام پہ موت نصیب فرما میرے مولا کریم ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری کے لیے قبول فرما اے اللہ جو مسلمان وہاں جانا چاہتے ہیں اسباب نہیں ہے اللہ اپنے فضل سے اسباب پیدا فرما اے اللہ جن حضرات کے پاس اسباب ہیں انہیں بھی وہاں کی بار بار حاضری کا موقع عطا فرما اے اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ کا طواف نصیب فرما یا اللہ ہم سب مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما میرے مولا خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما اللہ جو حضرات وہاں پہ یہودیوں سے مقابلے میں مشغول ہیں اللہ انہیں فتح عطا فرما اللہ ان کی نصرت فرما اے اللہ اپنی غیبی مدد ان کے ساتھ شامل فرما یا اللہ پورے ملک میں ہندوستان میں بھی امن و امان عطا فرما ہر طرح کے فتنوں سے اس ملک کی حفاظت فرما اے اللہ جو بھی فتنے پھیلانا چاہتے ہیں یا یہاں کا امن ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان سب کے ارادوں سے اس ملک کی حفاظت فرما اے اللہ پوری طرح سے امن و امان نصیب فرما ہر طرح کی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرما میرے مولا کریم جتنے مسلمان دعاؤں میں شریک ہیں جس انداز میں بھی ہو میرے مولا تمام مسلمانوں کی تمام حاجات چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو اپنے خزانوں سے پوری فرما یا اللہ ہم نے اس مجلس میں جتنی دعائیں مانگی ہیں ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين